हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आलूओं के फोर रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी मैंने व्रत के लिए बनाया है। तो स्टार्ट करने के पहले मैं इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ये बता देती हूँ। इसमें स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये हमारे आंतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, मेरी पहली रेसिपी है आलू के चिल्ले। तो इसके लिए मैंने आलू को छील लिया और साफ़ कर लिया। उसके बाद नमक लिया है और सिंघाड़े का आटा, ग्रीन चिल्ली और मूंगफली का ऑयल। पहले हमें आलूओं को ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। ये मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेंगे। फिर मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया। इसमें मैं सिंघाड़े का आटा डाल दिया। आप चाहे तो कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। 2 स्पून मैंने इसमें डाल दिया और इसमें मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाल दूंगी। ये सेंधा नमक है और ग्रीन चिली जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है उसे डाल दिया। और बस इसमें कुछ भी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमें मिक्स कर लेना है। अगर आपको आटा कम लगे तो थोड़ा सा आप और डाल लीजिए। अब मैं इनके चिल्ले बना के दिखाती हूँ। मैंने नॉन स्टिक तवा लिया, उस पर चिल्ले को फैला दिया, छोटे छोटे ऐसे आप स्पून की सहायता से फैला दीजिए और हल्का सा ऑयल डाल दीजिए। और इसे थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए कि हमारे जो आलू हैं थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाए। दोनों तरफ से हमको 2-2 मिनट के लिए ढक के पकाना है। ये मेरे रेडी हो गए बनके। देखिए, अब मैं इसे निकाल लूँगी और दूसरा वाला भी मैं डाल के दिखाती हूँ कैसे बने। बस इसी तरह आप डाल के इसको फैला दीजिए थोड़ा सा। जैसे मैंने पहले वाले 2-2 मिनट के ढक के पकाया था, बस उसी तरह आप पकाइए। और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ऑयल भी बहुत कम लगते हैं इसमें। मेरा पक्के रेडी हो गया, मेरे चिले बन गए हैं। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, मैं आपको अपनी सेकंड रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए भी हमें आलू को छील के ले लेना है, फिर क्यूमन सीड लेना है, सॉल्ट और सिंघाड़े का आटा, हरी मिर्च और लाल मिर्च पाउडर। अब मैं आटों को एक बाउल में डाल दूंगी और उसमें ग्रीन चिली बारीक चॉप किए हुए और रेड चिली पाउडर,
स्वाद के अनुसार नमक और खड़ा जीरा, इन सबको मैं मिला लूँगी अच्छे से और थोड़ा सा पानी डाल के, जैसे मैं हम लोग पकौड़े बेसन के बनाते हैं बस उसी तरह का हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए इस तरह से मैं घोल लूँगी थोड़ा, इसको आप फिर और आलूओं को ऐसे पतला पतला मैं कट कर लूँगी। और बस इसमें जो मैंने घोल तैयार किया था उसमें डिप करके ऐसे पकौड़ियों को छानूंगी। आप एक एक करके ऐसे बारी बारी से सारे आलूओं को डाल दीजिए और तल लीजिए। ये क्रिस्पी जैसे बन जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैं इसे ऑयल से अलग कर लूँगी। ये मेरे पकौड़े बन के तैयार है। अब मैं तीसरी रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें बॉयल आलू चाहिए और सॉल्ट चाहिए। ये सारे रेसिपी मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। और भुना जीरा पाउडर और भुना धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स और नींबू का रस। अब मैं आलूओं को पहले ऐसे पतले पतले पीसों में कट कर लूँगी। ये मैं आलू का कचालू बनाना बता रही हूँ और ये बहुत ही इजी सिंपल तरीके से बन जाएगा। इसमें गैस पे कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे आप मसालों को बारी बारी से डालते जाइए। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट और नींबू का रस, आपको जैसा पसंद हो, ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए। और सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। देखिए हमारे मिक्स हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए तो ये बहुत अच्छे से मसाले मिल जाते हैं। ये मेरा आलू का कचालू तैयार है व्रत में खाने के लिए और इसमें कोई भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने। इसे बनाइए और आप लोग व्रत में खाइए। अब मेरी चौथी रेसिपी है दही वाले आलू। इसके लिए मैंने बॉयल आलू लिए हैं, नमक लिया है, भुना जीरा पाउडर, भुना धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, पिसी हुई शक्कर और दही। पहले आलू के छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लीजिए। ऐसे आप अलग कर लीजिए आलू को पीसेस और इसमें आप
पहले फेटी हुई दही डाल दीजिए। और भुना जीरा पाउडर आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से आप मसाला कम ज़्यादा कर सकती हैं। और धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट, और पिसी हुई शक्कर, और सारी चीज़ों को डाल के आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये मेरा रेडी हो गया बनके। देखिए कितना इजी है बनाना। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी